नमस्कार, बिहार हलचल न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और जो उसके पहलवान यानी प्रत्याशी होंगे अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं और लगे हुए हैं कि फिर से उनके 5 वर्षों के लिए सत्ता उन्हें मिले, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो कुछ लोग यहाँ हैं, उनसे बात करेंगे। इससे पहले जो 5 वर्षों तक सांसद रहे हैं यहाँ के झंझारपुर लोकसभा के, तो उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उनके कार्यों से जनता कितनी खुश है, हम लोग उन्हीं के जुबानी जानेंगे, उनसे परिचय जानते हैं। और हम अभी लोकेशन जहाँ है आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, जयनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। यहाँ भारत नेपाल से लोग दूर दूर तक की सवारी के लिए जाते हैं और यह खजौली विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वह क्या सोचते हैं, पिछले 5 वर्षों में सांसद के कार्यकाल को, उसके कार्यों को 10 अंकों में कितना आंकते हैं। तो जानेंगे, पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कहाँ के। मेरा नाम हुआ राम विनोद सिंह। हम लोग जिस समय में समता पार्टी का गठन हुआ उसी समय से हम लोग समता पार्टी से लेके अभी तक हैं। हर कहाँ हुआ, कहाँ के रहने? जयनगर के हैं हम लोग, जयनगर मेरा घर हुआ। और हम 7 बार जो है समता से लेकर जदयू का जो है प्रखंड अध्यक्ष बने हैं। ये जदयू से जुड़े भी हुए हैं, हाँ। तो ये भी बात है कि और अभी वर्तमान सांसद भी इन्हीं की पार्टी का है, तो इनसे जानेंगे कि सर आपके सांसद महोदय का क्या क्या कार्य रहा है जयनगर के लिए या झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए, कुछ कुछ बताइए। जयनगर के लिए तो सांसद कुछ नहीं किए, खास करके यहाँ जो झंझारपुर लोकसभा के लिए उनका जो है तो सारा जो है सो 90% जदयू समता पार्टी का जो संस्थापक लोग हैं विरोधी है। आप पार्टी का पार्टी में है और पार्टी के ही नहीं, पार्टी का नहीं गतिविधि बता रहे, तो नाराज नहीं होंगे आपसे? नाराज हो या नहीं हो, लेकिन जो अभी जो है टिकट तो नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों का कहना है जो गलत यदि आदमी को टिकट मिलेगा तो जनता में जो है ठीक है बीजेपी जदयू का जो है एक जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट तो मिल जाए, लेकिन सांसद से यहाँ जो है 90% लोग नागरिक हैं, चाहे वो आपके दल के भी लोग हों या दल के बाहर। हाँ, जनता जनता के बारे में करें, हम लोग तो पार्टी में 1000 आदमी है, मजबूरी है जो पार्टी तय करेगा वोट देंगे, लेकिन जनता में इसका जो है वो बहुत गड़बड़ स्थिति है और लोग चाहता है, खास करके जयनगर में आज तक न एक पैसा योजना से दिए और न किसी से कोई भी वर्कर उनको जो है सो फोन किया, तो फोन भी नहीं उठाते थे। और अभी वो सांसद महोदय हैं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, अभी यह सीट झंझारपुर सीट आप इस गठबंधन में आपकी पार्टी को मिला है, तो हो सकता है फिर से उम्मीदवार बन जाए, तब आप इसके लिए क्या? हम लोग को देंगे, हम लोग तो पार्टी का जो है मतलब कर्ज खाए हुए हैं, पार्टी का हथियार में देंगे, लेकिन आम जनता उसको वोट नहीं देंगे। यानी कि आप संदेश देना चाह रहे हैं कि चेहरा बदला जाए, चेहरा बदला जाए, पार्टी का जो कार्यक्रम है या मोदी का कार्यक्रम उससे सब खुश है, लेकिन उम्मीदवार से ना खुश है। मोदी जी के काम को पिछले 5 वर्षों या 10 वर्षों से वे प्रधानमंत्री हैं, 10 अंक में कितना अंक देंगे? नहीं, हम लोग 100% उनको देंगे, यानी मोदी जी के कार्य खुश है, लेकिन देश हित में काम किया है ना, और जो है तो हमारा दल भी जो है तो देश हित में काम किया है, राज्य हित में काम किया है, लेकिन नाखुश हम लोग उम्मीदवार से हैं, जो किसी का खोज खबर आज तक नहीं लिए, फोन भी हम लोग किया आज तक फोन नहीं उठाए, यानी कि कार्यकर्ताओं तक का फोन नहीं उठाते। नहीं, हम लोगों का कार्यकर्ता क्या, हम तो उस पार्टी का निर्माता है जयनगर में, जो नाम नहीं जानता था उस समय से, हम लोग समता पार्टी का गठन हम ही किए हुए थे यहाँ, आप पता लगा मेरे बारे में, समता पार्टी का गठन हम ही किए थे यहाँ जयनगर में। सर आप इतनी मुखरता से बोल रहे हैं, वे सांसद है, कहीं आप पर कार्रवाई हो जाए पार्टी? कार्रवाई क्या करेगा, कार्रवाई करे, हम लोगों को नौकरी है, तैयार है कि कार्रवाई? हाँ, लेकिन अपना संदेश हम लोग नीतीश कुमार को देना चाह रहे हैं उम्मीदवार को बदले, और किसी भी को टिकट दे दिए नए आदमी को, मतलब चेहरा बदलना आप? हाँ हाँ, टिकट देंगे किसी को भी देंगे पार्टी में जो है, तो बहुत ज्यादा वोट जीतेगा। और लोग उनसे जानेंगे, आपसे भी जानेंगे कि आप अपना नाम पहले बताइए और नाम के साथ ये बताइए कि यहाँ के सांसद महोदय के कार्यकाल को कैसे आप? मेरा नाम अरुण कुमार है, मेरे बड़े भाई ने बता ही दिया आपको, प्रतिनिधि को बदला गया, अभी चाहते हैं कि प्रतिनिधि बदला जाए, उनका कोई काम जो उल्लेखनीय हो या आप बताना चाहें? अभी तक तो नहीं हमारे नज़र में ऐसा कोई कि समाज के प्रति या जयनगर के प्रति ऐसा कोई काम किए हैं, इस 5 साल के दरमियान तो उन्होंने नहीं किया,
वैसे और मोदी जी के काम को कैसा देखते हैं, उनसे भी ना कुछ ऐसे बात नहीं है। मोदी जी के साथ तो पूरा भारत ही है, आज 400 की बात हो रही है, यूँ ही तो नहीं हो रही है। फिर से कहीं वही अगर आ गए तो संभावना तो बन ही सकता है, हो सकता है, वो तो पार्टी का लेवल का बात है। लेकिन आप ना खुश हैं अपना सर, आपसे भी जानेंगे कि आपका क्या नाम हुआ, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम शिव महाजन है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार के हर काम से हम लोग खुश हैं। हमारे घर में 3 आदमी को नौकरी मिली है, मैं उनसे खुश हूँ। लेकिन पार्टी को जो है वह बदल दे, क्योंकि ये जो है आपको रामपुर मंडल जयनगर के लिए हम लोग के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन नीतीश कुमार हम लोग के लिए, हमारे घर में 3 को नौकरी मिला। आप कह रहे हैं जयनगर के लिए नहीं किए हैं, हो सकता है फुलपरास झंझारपुर के लिए किए हों, तो क्या लगता है? वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जयनगर के लिए वह फोन भी किए हैं, हम लोग किसी तरह का विपट आया था, फोन किया गया, वो फोन को रिसीव करने के लिए भी तैयार नहीं हुए। तो आप पार्टी से भी जुड़े हुए हैं या आम आदमी की हैसियत से? आम आदमी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ। और भी लोग हैं उनसे जानते हैं, कैसे आप अपना कुछ बताना चाहेंगे? साफ है, मतलब रहने वाले हैं या रह रहे हैं यहाँ के सांसद के कार्यकाल के साथ? सांसद का कार्यकाल बताया कि ठीक है सूरज जी, बहुत मतलब है तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। यानी चेहरा बदलना बनने का मांग कर ली है। और मोदी जी का काम को कैसे आते हैं, उनसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट, उनसे संतुष्ट थे। और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं बुजुर्ग मोदी जी। आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहते हैं, मतलब कहाँ बिहार में? कहाँ बिहार में?